हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विकास। और अगर आप शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शिमला अपनी सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, लुभावने दृश्यों और लाल सेब के लिए जाना जाता है। लेकिन शिमला में अलौकिक अपसामान्य स्थल भी हैं जो विभिन्न जगहों में छिपे हुए हैं। वैसे तो शिमला में पूरे साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच में शिमला आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बर्फ का अनुभव मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको देश के किसी भी कोने से कालका किले ट्रेन लेकर आना पड़ेगा। कालका किले डायरेक्ट ट्रेन कई जगहों से नहीं चलती है, जैसे कि नई दिल्ली से कालका किले डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। कालका से शिमला की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है और यहाँ पर 6 टॉय ट्रेन कालका से शिमला के बीच में चलती हैं। भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक शिमला कालका रूट बेहद अनोखा है। अगर शिमला की खूबसूरती का आनंद लेना है तो यह सफर जरूर करिएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट वाकई किसी सीनरी की तरह सुंदर है। कालका से शिमला के बीच लगभग 6 टॉय ट्रेन चलती हैं। उनकी बुकिंग्स कैसे होगी मैं ये वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा। शिमला की असली खूबसूरती उस शहर के साथ साथ इन पहाड़ों में भी है जिसके बीच से ये ट्रेन गुजरती हैं। ये रेल रूट 1903 में ब्रिटिश सेना द्वारा बनवाया गया था। उस दौर में शिमला अंग्रेजों के बीच काफ़ी चर्चित था। चीड़ के जंगलों और पथरीले पहाड़ों के साथ कई झरने, सुरंग और छोटे छोटे गांव भी हैं। शिमला के इस रास्ते में कालका स्टेशन से शिमला के बीच 96 किलोमीटर की दूरी के बीच 20 रेलवे स्टेशन, 103 सुरंग, 800 ब्रिज और 900 घुमावदार मोड़ हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रेन रूट कितना अनोखा है। इस रूट की सबसे लंबी सुरंग तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। शिमला जाने से पहले कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। उनमें से एक ये है कि अगर आपके पास समय हो तो अपना प्लान ऐसा बनाएं कि इस रेल रूट का मजा लिया जा सके। कालका से शिमला के बीच लगभग 6 टॉय ट्रेन चलती हैं। सबसे पहली ट्रेन शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस, ये प्रीमियम ट्रेन है जो एक बार में 120 पैसेंजर को ले जाती है। इसकी सिर्फ एक ही स्टॉप है, इसमें खाना भी यात्रियों को दिया जाता है। जो दूसरी टॉय ट्रेन कालका टू शिमला के बीच में चलती है वो है हिमालयन क्वीन। ये नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, इसके 9 स्टॉप हैं और खाना नहीं मिलता है। तीसरी टॉय ट्रेन जो कि कालका और शिमला के बीच चलती है वो है रेल मोटर कार। इसमें सिर्फ 14 लोग बैठ सकते हैं, खाना भी दिया जाता है, इसकी टिकट आसानी से नहीं मिलती, छत भी ग्लास की होती है। चौथी टॉय ट्रेन जो कि कालका और शिमला के बीच चलती है उसका नाम है कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन। इसमें सिर्फ AC उपलब्ध है लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यह बहुत ज़्यादा भीड़ वाली ट्रेन है। इसके अलावा टूरिस्ट सीजन शुरू होने पर खास ट्रेन चलाई जाती हैं। ये मई से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर और दिसंबर और जनवरी में चलती है। इसमें से एक ट्रेन है शिवालिक स्पेशल, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे IRCT की वेबसाइट पर दिखाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी खूबसूरत वादियों की सैर कराने वाली ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। शिवालिक का किराया 510 रुपये है, इसी के साथ रेल मोटर्स कार का किराया 320 रुपये। इतने कम किराए में आप बहुत ही अच्छे आरामदायक सीट पर बैठे हुए वादियों का मजा लेते हुए शिमला पहुंच सकते हैं। बाकी ट्रेन्स में कई क्लास हैं और उनके किराए इससे भी कम हैं। खास बात तो यह है, टॉय ट्रेन में आप 65 रुपये से सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं और वो जो क्लास आपको 65 रुपीज़ में मिल रही है वो भी काफ़ी आरामदायक है। दोस्तों, अगर आप शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं
तो टॉय ट्रेन का सफ़र आप कर सकते हैं। ये सफ़र आपको काफ़ी रोमांचक और खूबसूरत वादियों के साथ आनंद। फ्रेंड्स, टॉय ट्रेन की बुकिंग करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके IRCTC की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप IRCTC के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिएगा एंड जो कालका का कोड रहेगा KLK रहेगा एंड जो शिमला का कोड रहेगा SML रहेगा एंड आपकी जो भी प्लान जर्नी की डेट हो आप उसको डाल के यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा। ध्यान रहे, टॉय ट्रेन की जो बुकिंग्स होती है वो बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है, तो आप अगर टॉय ट्रेन की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप एडवांस में ही एक मंथ पहले बुकिंग करके चलिएगा। जो यहाँ पर बुकिंग होती है कालका से शिमला की, जो टॉय ट्रेन की बुकिंग होती है वो 1 मंथ एडवांस में खुलती है, आप उससे एडवांस में बुकिंग नहीं कर सकते हैं।